से इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली वो से इसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली पहली कली के अंदर वो किन किन वीर शहीदों के नाम बताते हैं कि देवर उस फोटो के अंदर ये होने चाहिए एक पल्ले के ऊपर और पहली कली में क्या बता दिया ओ ये साड़ी की उस फोटो के माँ साड़ी की उस फोटो के माँ भारत के सभी आर्य हो तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो और रक्षा मंत्री भारत का बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल वो गांधी वीर जवार भी हो और हंसते हंसते जेलो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो और पानी पहुंचाए भी हो ने जाने कपाली वो सही से साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली इनका महेश भी मन मांगी महेश का भी 1100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरी कली अंदर सजनों मुकरंद आगे की देवर एक पल्ले पर तो लिख लिया ध्यान दे लेना और दूसरे पल्ले के ऊपर बताते दूसरे चित्र क्या होने चाहिए क्या बता दिया चंद्र शेखर ओ ये चंद्र शेखर आजाद का फोटो चंद्र शेखर आजाद का फोटो राज बिहारी बोस हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए हो और चलिया वाले
आदम सिंह की कोड़ी से लंदन में डायर मर गया हो। आदम सिंह की कोड़ी से लंदन में डायर मर गया हो। डायर मारा आप मरा गया ना वार कती खाली बोस इस साड़ी लाते हो जिसकी ₹200 मेरे बड़े भाई बड़े अजीज मित्र कृष्ण पार्टी का मान सम्मान करते इस देशभक्ति के रागनी के ऊपर बड़ा बड़ा धन्यवाद धन्यवाद। और सजनों तीसरी कली का जिक्र आया तो नुकन लागी के सुभाष न्यू ना सोचिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर वीर शहीद वीर वीरांगना ही है। इस हिंदुस्तान के अंदर ऋषि महात्मा भी बहुत हुए, दानी भी बहुत, तपदारी भी बहुत हुए। और तीसरी कली में सजनों क्या बता दिया, राम और लक्ष्मण राज छोड़ दे, राम और लक्ष्मण राज छोड़ दे, पर मैं धक्के खाते हो सत के कारण काशी में जाते हो। जगदेव पवार का टेक गर्दन तान मसीह चढ़ाते हो। जगदेव पवार का टेक गर्दन तान मसीह चढ़ाते हो। और राजा मोर ध्वज सरकती कृष्ण का शेर जिमाते हो। फिर ना कुछ प्रहलाद भगत को लाल खम पकड़ाते हो। और राजा भोज विक्रमा जीत पर जाता कष्ट मिटाते हो। राजा भोज विक्रमा जीत पर जाता कष्ट मिटाते हो। किन आजादी का हो पूजे मिले के दिवाली बोस इस साड़ी लाते हो जिसकी चौथी कली का जिक्र आया तो कोई भी कवि चौथी कली में अपनी आखिरी बात लिख देता है कलम से। नुकण नागी के देवर वीर वीरांगना भी बहुत हुई, उनका नाम बता दिया मैंने। तपधारी बहुत हुए, दानी बहुत, उनका भी नाम बता दिया। लेकिन एक हिंदुस्तान प्राचीन देश है, सभ्यताधारी देश है, इसके ग्रंथ भी बहुत, उन ग्रंथों का भी जिक्र करते हैं कि देवरो ग्रंथ भी नीचे साड़ी के ऊपर। चौथी कली में सजनों क्या लिख दिया कवि ने, हेलो हेलो, ओ ये रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। तिरंगा झंडा लाल किले पे वो सामने खड़ा सुभाष भी हो। तिरंगा झंडा
किले में सामने खड़ा सुभाष भी हो सरदार सिंह के पान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग पे हो मजदूर किसानों का सेवक श्री छोटू राम भी संग में हो और भारत माता बच्चा बच्चा आजादी के संग में हो में सब वो दिखे हाली पाली पोस इस साड़ी लिया